गाना सुनेंगे। गाना सुनाने के लिए आज सिस्टर क्लेरिन पामर जो शिकागो से है, सिस्टर क्लेरिन को लाइन में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। यीशु नाम मिला मेरा जीवन आया, मेरा जीवन सर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु में आता है तेरे यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझत कमाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझत कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने से, मसीह के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। थैंक यू। Amen. थैंक यू क्लेरिन आंटी फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं कुछ डिस्टरबेंस बीच में हुआ, ये परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू। परमेश्वर हमारे जीवन में आया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो हमारे जीवन का खुशी है, वो हमारे जीवन का रक्षा है। हालेलुया। अभी हम वचन से सुनेंगे, वचन से सुनने का अवसर है। आज हमारे मध्य पास्टर जस्टिन वर्गीस जो दावत से हैं, हमारे मध्य हैं। एंड वेलकम पास्टर जस्टिन वर्गीस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। आज के इस संध्या समय में आप सबके बीच में वचन के साथ आपके साथ वचन शेयर करने का जो खुदावन ने मौका दिया है, इसलिए मैं खुदावन को बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मान पाऊँ कि मैं परमेश्वर का वचन, जिंदा वचन, इस दुनिया को मैं सुना सकूँ। आज की रात के मनाने के लिए, मनादी के लिए हम लोग अपने बाइबल को ले चलेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को ले चलेंगे, दूसरी समय
उसकी दूसरी समेल उसकी पत्री नौवा अध्याय, नौवा अध्याय पे हम जाएंगे। दूसरे समेल उसके नौवा अध्याय की तरफ हम जाएंगे। जाने से पहले हम दुआ करना चाहेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुंदर समय के लिए, और खास तौर पे जिस तरीके से हमने आज गाने के माध्यम से सुना कि खुदावन तू हमारी जिंदगी में आया और हमारी जिंदगी सवर गई। तुम्हारे बिना खुदावन, तेरे बिना मेरी हमारी जिंदगी अधूरी थी, मगर तू हमारी जिंदगी में आया और वो अधूरापन तूने पूरा किया, और पूरा करते ही और हमारी जिंदगी तूने सवार दिया। इसलिए हम तेरे शुक्र गुजार हैं। आज की रात जब हम तेरे कलाम से हम पढ़ रहे हैं, खुदावन अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। तू हमसे बात कर, तू हमारा इस्तेमाल कर, ताकि हम वही बोल सकें जो तू हमें तू चाहता है हम बोले। तेरे हाथ में सब कुछ देते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर हमें। हम पढ़ रहे हैं दूसरी समेल उसकी पत्री उसके नौवा अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा गया, दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसके प्रति मैं योनाथान के कारण प्रेम पूर्व व्यवहार करूं? साउल के घराने में का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा दास वही हूं मैं। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसके प्रति मैं परमेश्वर का सा प्रेम दिखाऊं? दाऊद पूछ रहा है। अभी दाऊद एक चरवाहा ही नहीं है, मगर दाऊद एक राजा है, सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। उसकी अवस्था बदल गई है, पहले जैसा नहीं है। जब वो उसकी अवस्था बदल गई है, तब भी उसका परमेश्वर के साथ वो जो मेल मिलाप था, जो जो रिश्ता था, उसमें कोई कमी नहीं आई। वो दाऊद एक चीज जरूर जानता था कि आज जिस हालात में मैं हूं, आज जिस चीजों को मैं जो मेरे पास है, वो मेरी योग्यता के कारण नहीं है, ना ही वो कुछ मेरी क्षमता के कारण मैंने हासिल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो भी मेरी जिंदगी में आज है, सिर्फ खुदावन के खुदावन का फजल है। इट्स जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई एम हैविंग ऑल दिस थिंग इन माय लाइफ। आज अगर मैं राजा बनकर यहाँ पर बैठा हूँ, तो वो सिर्फ परमेश्वर की करुणा मेरी जिंदगी पे है, जिसके कारण से मैं राजा बना हुआ हूँ। वरना मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में अगर मैं पलट के देखूँ, तो मेरे वालिद वालिदा, मेरे पिता पिताजी कोई भी राजा या राज घराने से नहीं थे। हमारे अंदर कोई राज घराने का खून भी नहीं है, और कभी हमने, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजा बन पाऊंगा। मैं तो कहीं वीराने में भेड़ बकरियों को चलाने वाला चरवाहा था। वहां पर मेरे खुदावन के साथ मेरा मेल मिलाप था, मेरे खुदावन के साथ एक रिश्ता था, खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया, और वहां पर खुदावन ने मुझे बुलाया, और उस अवस्था से बुलाकर मुझे आज राज सिंहासन पर बिठा दिया। और राज सिंहासन पे जो मैं बैठा हूं, वो मेरे कारण नहीं है, मेरी सोच के कारण नहीं है, मैंने कुछ चाहा था, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर लाके बिठाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ। वो परमेश्वर की करुणा जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है, जो परमेश्वर की कृपा मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है, वही कृपा वही करुणा मैं अब किसके किसके लिए दिखाना चाहता हूँ? साउल के घराने में अगर कोई बच्चा है, तो उसके लिए दिखाना चाहता हूं। अगर हम पढ़ें, हम सब जानते हैं कि साउल ने दाऊद को खूब दौड़ाया और खूब परेशान किया। उसकी जान लेने की कई दफा उसने कोशिश की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, सब कुछ किया, मगर फिर भी दाऊद आज भी यही सवाल पूछता है, क्या साउल के घराने में कोई है जिसके प्रति मैं परमेश्वर का वो करुणा वो कृपा मैं दिखा सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया? क्योंकि आज जिस हालात में मैं हूं, वहां पे बैठने लायक तो मैं नहीं था, मैं भी कोई इतना अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी मोहब्बत की कि मुझे आज जहां पर हूं वहां पर बिठाया। तो अब मेरा फसल बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि यही मोहब्बत मैं किसी और के और किसी के लिए मैं दिखा सकूं। यहां पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता। मैं आपको ले जाना चाहूंगा भजन संहिता, दैट इज सैम्स, उसकी 18वां अध्याय 1 और 2 पद में दाऊद इस तरीके से बोलता है, हे परमेश्वर
तू मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरा चट्टान है, जिसका जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सींग है और मेरी मेरा ऊंचा गढ़ है। दाऊद के बारे में हम जब पढ़ते हैं, हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं, दाऊद ने कभी भी अपनी क्षमता पर उसने कभी भरोसा नहीं किया, मगर वो हमेशा खुदावंत ने जो बल उसको दिया है, जो खुदावंत उसके साथ था, उस पर वो निर्भर रहा। जब भी वो युद्ध में गोलायत के सामने खड़ा हुआ था, तो गोलायत तो काफी बड़ा था, मगर उसकी नजर गोलायत पर नहीं थी, मगर उसकी नजर उस खुदा पे थी जो गोलायत से काफी बड़ा था। तो उसकी समस्या पे उसकी नजर नहीं, मगर उसकी नजर हमेशा खुदा पे रही, क्योंकि उसका उसका खुदा के साथ एक रिश्ता था, एक गहरा रिश्ता था। यही चीज हम यहाँ पढ़ते हैं। तो खुदा वो जानता है कि आज मैं जहां पर हूँ वो खुदा का फजल है, खुदा की मेहरबानी है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं यही कृपा, यही करुणा मैं किसी और के लिए दिखाऊं, किसी और के लिए नहीं, अपने दुश्मन के घराने से ही दिखाऊं। आगे पढ़ेंगे हम शाऊल की दूसरी सामुएल की पत्री, उसके नौवा अध्याय हम पढ़े, नौवा अध्याय तीसरे पद से हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें ऐसे लिखा गया है, जी हाँ मैं पढ़ूंगा आपके लिए। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में कोई है अब तक बचा है जिसके प्रति मैं परमेश्वर का प्रेम दिखा सकूं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनाथान का एक बेटा है, योनाथान जो कि साउल का बेटा है, योनाथान का एक बेटा है, जिसका मतलब साउल का छोटा बेटा, मतलब पोता, वो लंगड़ा है। देखिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं वहां पे कि वो चलने लायक नहीं है, वो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा वो कहाँ है। सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदेबार नगर में अमीएल के पुत्र माखिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदेबार से अमीएल के पुत्र माखिर के घर से बुलवाया। तब मेफीबोशेत जो जोनाथन का पुत्र था और साउल का पोता था, दाऊद के पास आया। तब उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और दाऊद ने कहा, है मेफीबोशेत, तूने मैं मेफीबोशेत, उसने कहा तेरा दास को क्या आज्ञा है। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं कि मेफीबोशेत जो साउल का पोता है और जो जोनाथन का पुत्र है, अभी साउल नहीं है और जोनाथन भी नहीं है, दोनों का युद्ध में मौत हो गया है। अब जो बचा है उस घराने में कोई भी अगर बचा है तो मेफीबोशेत बचा है। मेफीबोशेत जो कि अभी राजस्थान में होना चाहिए था, राजा के सिंहासन पर बैठना चाहिए था, उसकी अवस्था देखिए, वो लोदेबार नामक एक जगह पर है। लोदेबार को अगर हम पढ़ें, लोदेबार नामक उस नाम को हम समझें, तो लोदेबार का मतलब है एक रेगिस्तान का हिस्सा, या फिर जहाँ पे बिल्कुल हरियाली नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल गर्मी है, पानी की कमी है, और बहुत कम लोग वहां रहना पसंद करेंगे। अगर हिस्ट्री हम पढ़े, इतिहास पढ़े, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, ऐसे लोग वहां पर रहा करते थे लोदेबार में, क्योंकि वो बहुत ही एक पिछड़ा एक ग्रामीण जगह था, वहां पर लोदेबार रह रहा है। देखिए इसकी अवस्था देखिए, जहां वो उसको राज सिंहासन में जेरूसलम में होना चाहिए था, आज वो लोदेबार की अवस्था में है, और वो लोदेबार की अवस्था में बचपन से ही वहीं पर रह रहा है, और वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। उसको मालूम है कि कभी भी कहीं भी वो उसकी मौत हो सकती है, और उसको उस मौत उस दिन का इंतजार है कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग उससे बर्ताव करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लोग जिस तरीके से उसको बर्ताव करते हैं, उससे बातें करते हैं, उस पे ऐसे करते एहसान कर रहे हैं। देखिए क्या अवस्था है, ये कैसी अवस्था है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी हम ऐसे अवस्था में हैं जहां पर हमको लगता है कि हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं,
हमको लगता है कि हम इस रेगिस्तान के अवस्था में हमेशा जिएंगे, हमको ये लगता है कि आगे हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं है, हमें हम अपने आप को कोसते हैं कि हम ऐसा क्यों हो गए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें तो किसी राजघराने में पैदा होना चाहिए था, हम तो हमें किसी राजघराने में रहना चाहिए था, बड़ी अच्छी अवस्था में रहना चाहिए था, मगर हम आज इस अवस्था में आ गए हैं और हम अपने आप को कोसते हैं और हम बोलते हैं खुदावन तू हमें क्यों इस अवस्था में हमको लेकर आया। मगर दोस्तों अगर आज की रात मुझे आप सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावन आपको इस अवस्था में बड़ी देर तक नहीं रखना चाहता, आपके लिए एक बुलावा आ गया है, राजा ने आपके लिए बुलावा भेजा है ताकि आपको लोदेबार की अवस्था से आपको वहां से बाहर निकाले और जरूसलम की अवस्था में लेके आए। आज की रात ये दूत आपके साथ है, ये वचन आपके साथ आपसे बात कर रही है कि अगर आप ऐसे अवस्था में हैं, आप ऐसे एक मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, अगर आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां पर कोई हरियाली नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और आपको लगता है कि आप किसी के एहसान पे जी रहे हैं और आगे आपको जिंदगी नजर नहीं आती, मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके हालात बदलने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको पता नहीं मगर परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपके लिए एक बुलावा भेजा है। आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे। लोदेबार एक ऐसी जगह है जो यर्दन नदी के पास है, यही पर मेफीबोसेत ने अपना अपनी इज्जत उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत उसने खो दी है, जो उसका जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उसने वहां खो दिया है, जो उसको कॉन्फिडेंस था, सेल्फ एस्टीम था, वो उसने वहां खो दिया है, जो धन उसको मिलना चाहिए था वो भी उसने वहां खो दिया है। मगर एक बात, आपकी अवस्था में बदलाव आने वाला है, खुदावन आपकी अवस्था को बदलने वाला है, आप शायद नहीं जानते, आप दुआ में लगे रहें। आमेन। आगे हम पढ़ते हैं यहां पर, जैसे ही दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि आज अगर मेफीबोसेत ऐसी हालात में है तो किसके कारण है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट थिंग, उसके लिए हम मैं आपको लेके चलूंगा दूसरी समुएल की पत्री और उसके चौथा अध्याय, मैंने खोलता हूँ दूसरा समुएल उसका चौथा अध्याय और चौथा पद, सेकेंड सैमुएल चैप्टर 4:4, उसमें किस तरीके से लिखा गया है, साउल के पुत्र साउल का पुत्र योनाथान का एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल में साउल और योनाथान का समाचार आया तब वहां 5 वर्ष वह 5 वर्ष का था, मेफीबोसेत 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई मतलब उसकी केयर टेकर उसको उठाकर भागी, वो क्यों भागी, वो इसलिए भागी क्योंकि शत्रु कभी भी आ सकता है, क्योंकि शत्रु ने साउल की हत्या कर दिया है और शत्रु ने योनाथन की हत्या भी कर दी है और अब शत्रु ढूंढ रहा है कोई और उनके खानदान में है उसकी हत्या भी कर दें। तो अब जो बचा है वो है मेफीबोसेत, तो मेफीबोसेत की हत्या होने वाली है और ये बात जब उसकी दाई या उसकी केयर टेकर को पता चला उस समय उसकी दाई उसको लेकर भागी और उस भागने में उसने इस तरीके से लिखा है और उसके उतावलीपन से भागने के कारण, देखिए उसके उतावलीपन के भागने के कारण वह गिर गई तो बच्चा भी गिर गया और बच्चा गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम था मेफीबोसेत। देखिए मेफीबोसेत की आज का जो सिचुएशन है, आज के जो हालात है, अगर वो लंगड़ा है तो वो अपनी माँ के कोख से लंगड़ा होकर पैदा नहीं हुआ, वो किसी कारण से किसी की गलती की वजह से आज इस हालात में आ गया है। मगर आज जब वो अपने आप को पलट कर देखता है तो वो अपने आप को कोसता होगा कि खुदावंत मैं ऐसी अवस्था में क्यों आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपकी अवस्था में अभी तब्दीली आने वाली है क्योंकि खुदावंत ने आपका आपके आपके आपकी दुआओं को सुन लिया है। हमें हमारी जिंदगी में कई समस्याएं हम ऐसे झेल रहे हैं जो शायद हमारी गलती होगी या फिर किसी और की गलती से वजह से और की गलती की वजह से हम उस समस्या को हमारे अंदर में हम झेल रहे हैं और हमेशा हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं जिसने हमें हालात में हमको डाला है।
मगर परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे दोस्त हमारे साथ छोड़ देंगे, हमारे घर वाले हमारे साथ छोड़ देंगे, और जो वादा करते हैं कि आपके साथ हमेशा रहेंगे वो आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको भी आपसे कुछ उम्मीद होगी, और जब आप उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं उतरते तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। मगर हमारे साथ एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा राजाओं का राजा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे मरते दम तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़े हम दोबारा आएंगे दूसरे समेल की पत्री उसके 19वें अध्याय में हम वापिस आएंगे। जी हाँ, सातवें पद में पढ़ूंगा। दाऊद ने इस प्रकार कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय ही तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा, तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन करेगा। मैं उसको एक बार पढ़ना चाहूंगा, सातवें पद को। दाऊद ने कहा, दाऊद ने मेफीबोशेत से कहा कि तू डर मत, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पिता जो योनाथान है वो मेरे काफी अच्छे मित्र थे, और मेरा योनाथान के साथ एक वायदा है कि हमें जब भी राजा बनूंगा, या मैं राजा बनूं या तुम राजा बनो, हम एक दूसरे के परिवार को संभालेंगे करके एक वायदा है, उस वायदे को मैं आज याद करता हूं, और तेरे पिताजी योनाथान के कारण ही मैं आज सिंहासन पर बैठा हूं, और वो वायदा पक्का है, मैं उस वायदे को पूरा करूंगा, और उस वायदे के तहत तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय उससे तेरे लिए प्रीति दिखाऊंगा, तेरे दादा साउल जो मेरा दुश्मन था कि सारी भूमि तुझको दोबारा लौटा दूंगा और तू मेरे मेज पर भोजन करेगा। देखना, जो चीज नष्ट हो गया सालों साल पहले उसको मैं रिस्टोर करूंगा, उसको मैं वापस तेरी जिंदगी में लेके आऊंगा। दाऊद के सिंहासन के आने के बाद दाऊद ने कई जगहों को जीता है। दाऊद बोलता है कि जब मैंने सिंहासन को उठाया तो तेरे दादा से मुझे कुछ जमीन मिली थी, उसमें से कोई जमीन मेरे को नहीं चाहिए, पूरी की पूरी जमीन मैं तेरे को लौटाता हूँ, जो तेरा था वो तेरे को मैं लौटाता हूँ, तेरे लाइफ को मैं रिस्टोर करूंगा। आज के बाद तू लोदेबार में नहीं रहेगा, आज से तू जरूसलेम में रहेगा, तेरी अवस्था में बदलाव आएगा, तेरी सोच में बदलाव आएगा, लोग जो तुझसे बर्ताव करते थे उसमें मैं बदलाव लाऊंगा। आमेन, हालेलुया। और वही खत्म नहीं होता, तू यहाँ तक आया है जरूसलेम में, आओ मैं अपन चाय पीते हैं, चाय बिस्किट बिस्किट खा के तुम वापस जाओ, ऐसे नहीं दाऊद बोलता है तू आज से मेरे मेज में नित्य भोजन करेगा, तू आज से मेरे साथ सुबह ब्रेकफास्ट करेगा, तू आज से मेरे साथ लंच भी करेगा, तू आज से मेरे साथ डिनर भी करेगा। नित्य राजा के साथ भोजन कौन करता है? राजा के साथ भोजन वही करता है जो राजघराने से ताल्लुक रखता है, राजा के साथ भोजन वही करता है जो राजा के पुत्र हैं। तो आज से मैं तेरी जमीन तेरे को लौटा ही नहीं रहा हूं, वरन मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं, आज से तू मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ इस राज मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ तू खाना खाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी खुशखबरी है, आप अगर मुश्किलों से गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, परमेश्वर आपका लाइफ को रिस्टोर करना चाहता है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, जहां ना उम्मीदी थी परमेश्वर आपकी जिंदगी उम्मीदी लाना चाहता है, और जब आपने जिंदगी में सोचा नहीं था उससे कई बढ़कर खुदावंद आपको आज की रात देना चाहता है। आप यकीन करें हमारा खुदावंद एक जिंदा खुदा है। जी हाँ, मैं आगे बढ़ूंगा, आठवां पद मैं पढ़ूंगा। उनके दंडवत करने करके मेफीबोशेत ने दंडवत किया और उसने कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझसे मेरे मरे कुत्ते की और दृष्टि करे। बोलता है कि आई वॉज लाइक अ डेड डॉग, मैं एक मरा कुत्ता था, मेरे को मुझ पर दया करने के लिए मैं कौन होता हूं। देखना, अभी तक लोदेबार में जब वो रहता था सब लोग उसको यही बुलाते थे, तू एक कुत्ता ही नहीं मरा हुआ कुत्ता, दैट्स व्हाट द वर्ड यूज देयर, अ डेड डॉग, मतलब सबसे नीच बोल आपके बारे में बोले जाते थे आपकी अवस्था के कारण। मगर आज की रात खुदावंद आपकी अवस्था चेंज कर रहा है, आज के बाद आपसे कोई भी वो वाक्य नहीं बोलेगा, क्योंकि आज से तुम
लोदेवार में नहीं, आज तो तुम राजा के महल में, राजा के टेबल पे बैठकर राजा के साथ डिनर करोगे। और जो लोग तुमको उस लफ्ज से बुलाया करते थे, जो लोग उस नजर से तेरे को देखा करते थे, आज से तुझे वो इज्जत से देखेंगे, तुझे बेइज्जत बेइज्जत देंगे। वो इसलिए नहीं कि तू कुछ बढ़कर है, इसलिए नहीं कि मैं कुछ बढ़कर हूं, मगर तू राजा के साथ बैठा है, और जब तक तू राजा के साथ बैठा है तू कोई मामूली आदमी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं, हम सब एक मामूली व्यक्ति थे, हमारे हमें अपने बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर आज लोग हमें इज्जत करते हैं, आज अगर प्रेम करते हैं, जो लोग हमारे विरुद्ध खड़े हुए थे आज अगर हमारे साथ खड़े हैं, वो कुछ और नहीं परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का कारण है कि आज हम अपने खुदावंद इस सारी ब्लेसिंग्स को हम उसको इंजॉय कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। हमारे हर पल में खुदा का हम शुक्रिया अदा दें, हमारे हर पल में खुदा से हम धन्यवाद के खुदा शुक्रगुजार हैं तेरे, तूने हमें इस जगह पर बिठाया। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नौवा अध्याय नौवा पद इस तरीके से बोलता है कि तब राजा ने साउल के कर्मचारी सीवा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैं तेरे स्वामी को, स्वामी के पोते को देता हूं, और तू उसकी उसकी रखवाली कर, तू उसके साथ रहे। आमेन। मैं इस वचन को यहीं खत्म करना चाहूंगा, सिर्फ एक दो वाक्य और पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आमेन। बारवा पद इस तरीके से बोलते हैं, मैसी बोलते की भी आगे मैं पढ़ता हूँ, वो है ग्यारवा पद। सीबा ने राजा से कहा, प्रभु सीबा ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सब पर अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मैसी बोसे राजकुमारों की नाई, राजकुमारों की नाई। देखिए दाऊद ने कहा कि ऐसा मामूली आदमी नहीं, मगर मैसी बोसे आज से राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन करेगा और आज से मेरे साथ बैठेगा और आज से वो जरूसलेम में मेरे साथ रहेगा। दोस्तों आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुराने नियम में ये कहानी परफेक्ट फिट होती है हमारे नए नियम में। हम सब एक समय पाप की गंदगी में फंसे हुए थे, पाप के गड्ढे में फंसे हुए थे, मगर हमें परमेश्वर ने, हमारे राजाओं के राजा यीशु मसीह ने हमको अपने पास बुलाया, हमारे पास रखा, हमारी अवस्था को बदल दिया। हमें अगर परमेश्वर हमें नहीं बदलता, अगर परमेश्वर हमारी सोच को नहीं बदलता, हमारी अवस्था को नहीं बदलता, तो आज भी हम लोदेबार की अवस्था में कहीं जी रहे होते। मगर अगर आज हम यरूशलेम में इंजॉय कर रहे हैं, यरूशलेम में राजमहल में खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ उस राजा की वजह से है, किसी और वजह से नहीं है। आमेन। हालेलुया। 13वां पद में इस तरीके से बोला गया है, और मैफीबोसेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, मगर वो आज भी पांव से लंगड़ा था। आमेन। कई समय ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं, हमारे शारीरिक चंगाई के लिए दुआ करते हैं, हमारी अवस्था चेंज करने के लिए दुआ करते हैं, और खुदावन हमारी दुआ सुनता है और हमारी हमें बदल हमें उस हालात से बचाता भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ एक चीज ऐसी होती है जो हम कितनी भी दुआ करें, शायद वो दर्द हो, चाहे कुछ भी मुसीबत हो, शायद वो हमेशा हमारे साथ रह जाती है, मगर खुदा हर तरीके से बदलाव लाता है, मगर कुछ एक चीजें रह जाती है। मगर दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहूंगा, वो दिन करीब है जब परमेश्वर इस दुनिया में वो दोबारा आने वाले हैं, दोबारा आएंगे, तो हमारा जो शरीर है आज, जो शरीर है जो हमारे दुख देती है, जो हमें पेन देती है, जो हमें बीमारी होती है, ये सारा हमारा इसी दुनिया में रह जाएगा और हम एक नित्य जीवन, एक नित्य अनंत जीवन और उस परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा हम बिताएंगे, और उस शरीर में, उस तेजस्वी शरीर में हमें कोई दुख नहीं है, उस तेजस्वी शरीर में कोई लंगड़ा नहीं है, उस तेजस्वी शरीर में कोई अंधा नहीं है, उस तेजस्वी शरीर हमें परमेश्वर देने वाला है। हमें और उस तेजस्वी शरीर को अगर हमें पाना है, हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमें अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमें स्वीकार करना है, और जब हम स्वीकार करेंगे, आमेन हालेलुया, वो हमारे हालात को बदलेगा, हमारे हमारे दुख तकलीफों को हटाएगा, और उस दिन, वो दिन जब परमेश्वर दोबारा आएगा इस दुनिया में, उसका आगमन होगा, उस दिन हम उस दुनिया में उस
परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और दुआ करेंगे। ऐ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते आज के इस सुंदर अवसर के लिए खुदावन, जो तूने हमको दिया है। तूने आज की रात हमसे बात किया है, इसे हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारी हालत उस मेफीबोशेत जैसी थी खुदावन, हम लोदेबार की अवस्था में, हम इन हालेलुया, हम किसी रेगिस्तान की अवस्था में, हम बिल्कुल सूखे की अवस्था में रह रहे थे और खुदावन हम लंगड़े थे खुदावंत, हम उस पाप की गंदगी में फंसे हुए थे। वो खुदावंत लोग हमें एक बहुत ही निचले तरीके से, निचले नजर से हमें देखते थे, मगर तेरे प्यार ने हमको बुलाया खुदावंत, तेरे प्यार ने हमको उस राजस्थान में बिठाया, तेरे प्यार ने खुदावंत, तेरी मोहब्बत ने, तेरी करुणा ने हमको उस मेज पे बिठाया, जिसके कारण से खुदावंत लोग आज हमारी इज्जत इज्जत करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं खुदावंत। और आज उस सारी मेहरबानियों के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावंत, और हम जानते हैं तू बहुत जल्दी आने वाला है, और जब तू आएगा खुदावंत, हमारे ये शरीर जो हमारा नाश होने वाला है खुदावंत, जो हमारे शरीर में दुख है, तकलीफ है, ये सब खत्म हो जाएगा और हमें अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी तेरे साथ मिलेगी। उस मोहब्बत के लिए, उस करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथ में एक और बात देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं हम, सुनो।